अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, सैटरडे है, 7 बज गए हैं, वक्त आ गया है कि आप 1 घंटा अपना निकालें टू वॉच लाइफस्टाइल विद मी यानी कोमल। आज जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको एक सोच में डाल देगी कि भाई आप इतने सालों से जो समझ रहे हैं कि बहुत ही एक ग्लैमरस इंडस्ट्री है और जिनको आप समझ रहे हैं कि बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी वो लोग जी रहे होंगे, क्या बिहाइंड द कैमरा वाकई हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ऐसे ही हैं जैसे कि आप समझते हैं? क्या हमारी इंडस्ट्री यानी फिल्म, टेलीविज़न और डिजिटल कंटेंट जो है वो टॉपिक्स टच कर रही है जो उसको करने चाहिए, औरतों को वो रोल्स दे रही हैं जो उनको देने चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, क्या आप के पास वो राइट्स हैं, वो पावर है कि आप हमारे पाकिस्तान के आर्ट में, हमारे पाकिस्तान की शो बिज़नेस की इंडस्ट्री में चेंज ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं? ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे विद टू वेरी पैशनेट एंड वेरी वेरी ऑनेस्ट गेस्ट्स, व्हिच आई विल इंट्रोड्यूस टू यू आफ्टर आवर इंट्रो। आई सी यू इन अ बिट। मैंने एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाया है और वो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं जो 25 ईयर्स से हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और रिस्पेक्टेबल नेम माने और जाने जाते हैं। माय फ्रेंड, प्लीज़ गिव अ वार्म वेलकम टू शमून अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके द्वारा? मैं इतनी ठीक नहीं हूँ, ठीक है। अब मैंने ड्रामे करना शुरू किए हैं। अच्छा। और मैंने रियलाइज़ किया कि जैसे ही आप टीवी पे पहला सीन करते हैं तो आपको ऑफर्स आने शुरू हो जाते हैं, और मुझे हर दफ़ा ऑफर्स आते हैं कि अच्छा, पिट रही हैं आप, रो रही हैं, आपकी सास आप पे शिद्दत कर रही हैं, आपकी मियाँ ने 50वीं शादी कर ली है, आप यू नो लाइक वाई शमून, वाई आप इतने हमारे यू नो वाइज और इतने एक्सपीरियंस्ड हमारे कलाकार हैं, वाई इज़ दिस हैपनिंग? इसका बड़ा एक बेसिक सा 2-3 इसके जवाब हैं। पहला जवाब तो मुझे ये लगता है कोमल कि अब जो कंटेंट है वो ज़रा डिपेंडेंट हो गया एडवर्टाइजमेंट के एंगल से, कि पहले ना स्टोरीज़ को बड़ा ओपनली कंटेंट जो हेड्स होते थे वो उसको एक स्टोरी की तरह फील किया करते थे कि यार ये स्टोरी बहुत अच्छी है, इट इज़ एक्चुअली नरेटिंग समथिंग दैट इज़ वेरी कनेक्टेड एंड रिलेटेबल विद द सोसाइटी। अब मुझे लगता है कि इस बात पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है कि जी फलूस कहाँ से आ रहे हैं ज़्यादा। हाँ, फॉर्मूला ये हिट हो गया है, बस इससे डिविएट नहीं कर सकते। ऐसा ही है। उसमें क्या हो रहा है कि आप जो एक्टर है उसके पास अब ऑप्शन कम होगा, अब वो क्या करे, या तो वो नो करे या वो यस करे, और वो खामोशी से उन रोल्स को एक्सेप्ट कर ले ये सोच के कि यार उसका पैशन भी है। देखिए, एक्टर सिर्फ मजबूरी में काम नहीं कर रहा, पैशन भी उसको कहीं ना कहीं तो भड़ास निकाल है ना उसको निकलना है घर से, उसको जाके अपना काम करना है, उसको अपने आप को देखना है कि यार मैं किस तरह प्रोग्रेस कर रहा हूँ। बस अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि वो जो एवरेज है, हर चीज का एक बैलेंस होता है, उस बैलेंस से हम थोड़ा सा डेविएट हो गए। थोड़ा सा? अब मैं थोड़ा सा मॉडेस्ट हो रहा हूँ, काफी सारा हम काफी सारा जो है ना, हमने ये सोच लिया कि जी TRP बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। अच्छा, वेरी सॉरी, मैं थोड़ी सी अनसेंसर्ड बातें भी करूंगा, आई डोंट बिलीव इन दीज TRPs बिकॉज देर इज नो पक्का सोर्स। अब ये सच्ची बात जो है ना, मुझे कोई बताए कभी आके, मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मुझे एक्चुअल TRP की सोर्स बताएं क्या है। ठीक है, मैं व्यूज को मानता हूँ यूट्यूब के मिसाल के तौर पर, यू कैन सी 1 मिलियन व्यूज, यू कैन वॉच इट, देर इज नो चीटिंग इन दैट, देर इज नो सेल्फ प्रोक्लेमिंग इन दैट। अब एडवर्टाइजर्स जो हैं या जो मीडिया मोगल्स हैं, हमारे मूवर्स एंड शेकर्स जो हैं, दे बेसिकली आर नॉट विलिंग टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उन्होंने भी अपना पैसा लगाया हुआ है, उनको अपना गारंटीड पैसा वसूली चाहिए। लेकिन हमारी हमारी जो ऑडियंस है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो थोड़ा सा कन्विंस करें कि भाई हम अब तैयार हैं, कि हमें वही घसी पिटी, अब हम नेटफ्लिक्स बहुत देख रहे हैं, अब हम HBO प्राइम बहुत देख रहे हैं, अब हमें वही पुरानी चीज़ें नहीं देखनी है। हाँ, हमें पता है कि सास थप्पड़ मारती है, ये पता है हमें, बात कितनी दफ़ा बताएंगे हमें? सही बात है कोमल, इसका ये जवाब मुझे लगता है कि देखें, अब अगर आप सोशल मीडिया इज़ दी ओनली प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन बी वोकल अबाउट थिंग्स ना,
ज़ाहिर है आप बैनर लेकर रोड पे तो निकलेंगे नहीं ड्रामों के अगेंस्ट जी, ना आप कहीं धरना देंगे। आप इस तरह की जो सब्जेक्ट्स हैं यू स्पीक अबाउट देम ऑन द प्लेटफॉर्म्स, आप जाइए जरा, आप जाएं और जाके अपनी टीम को बिठाएं और उनसे पूछें कि किसी एक पर्टिकुलर ड्रामे के नीचे मेरे आपके एज के लोग, हमसे छोटे हमसे बड़े, वो कह क्या रहे। आपको 80% लोग तंग नजर आएंगे, हर एज के लोग। मजे की बात यह है, ये हम एक फेक क्लाउड बना के बैठे हैं, दी ऑडियंस वांट्स टू वॉच दिस, इट्स अ लाई, इट्स अ बिग लाई। क्यों? क्योंकि अगर वो यही सब कुछ देखना चाह रहे होते तो फिर प्राइम, अमेज़न, एचबीओ, हुलू, फलाना ढिमाका ये हिट ना होते। आज पाकिस्तान में आपकी इतनी रेवेन्यू जनरेट होती है जो कि बाहर चली जाती है वाया Z5, वाया प्राइम, अमेज़न, वाया नेटफ्लिक्स, जिस पर टैक्सेस भी नहीं दे रहे हम लोग। मजे की बात ये, हम टैक्सेस भी नहीं ले सकते। आपको पता है इस बात का कितना पैसा वो कंपनीज हमारे मुल्क में मुझे और आपको वो चीज दिखा के डेली ले जाती है और हम उसको रोक ही नहीं पाते। आप देखिए, और हम फिर बात करते हैं पैसों की कि जी पैसा इससे बन रहा है, तो aren't you looking at that side? Why have we covered एक काली चादर डाल दी उस वाली बात, उसको छुपा के रखें। क्यों? क्योंकि डिजिटल इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस नाउ। व्हाई? इट इज अ लिबर्टी ऑफ अ व्यूअर टू चूज व्हाट दे वांट। 8 बजे फलानी आना है और फलाना ड्रामा आना है, ये तो आपने कंडीशनलाइज। अच्छा, पहली बात, देयर इज नो प्राइम टाइम एनीमोर, 8 o'clock इज नॉट अ प्राइम टाइम इन पाकिस्तान एनीमोर। अब इज 9, राइट? अब 9 हो गया है। अब 9 भी आपके टीवी बता रहे हैं। बॉस, बंदा और औरत कोई जब फ्री होते हैं ना, 10:30 बज चुके होते हैं, खाने पका के ये करके वो करके 10:30 बजे आपका दिल चाहता है कि टीवी पे मैं कुछ अब देखूं। जब आपका बंदा बाहर से आता है ऑफिस से कहीं से काम करके, वो बेचारा 2 घंटे तो ट्रैफिक में फंस फुस के आता है, उसके बाद वो नहाता है, खाना खाता है, बाई द टाइम उसका दिल चाहता है कुछ होता है, 10:30-11 बज चुके होते हैं, उसके पास 3 घंटे का एक स्लॉट होता है जिसमें वो या तो कोई फिल्म देख ले या वो कोई सीरियल देख ले। तो हुआ क्या, अब टेलीविजन से लोग हटके चले गए डिजिटल पे, बिकॉज यू सी यार कोमल का 8 वाला जो ड्रामा या 9 बजे वाला ड्रामा मुझे 11 बजे डिजिटल पे मिल जाएगा। सो टीवी का मैं आराम से देखूंगा, मैं पॉज भी करूंगा, मैं फोन भी उठा लूंगा, मैं वॉशरूम भी जाऊंगा, मैं खाना भी खा लूंगा। हमें इस चीज को अब समझना बड़ा जरूरी है। सो आप अभी डिजिटल पे बहुत काम कर रहे हैं, एंड आपने एक बिटवीन बिफोर हम रिकॉर्डिंग शुरू की थी, आपने एक बहुत जबरदस्त बात की जो आई थिंक मैं लाइफ टाइम याद रखूंगी, कि आपने क्या कहा था अबाउट एक्शन, आप खुद ही बता दें। भाई मैं हमेशा से कहता हूँ बात, और मेरा फैमिली में भी ये कहना था, दोस्तों में भी ये कहना है, मैं कहता हूँ जैसे आप कहना है कि ये जो ट्रे गलत जगह रखी है, अब सब शुरू हो जाए की बात करना, जी गलत जगह रखी है, गलत जगह रखी है। व्हाई डोंट यू बिकम द वन दैट एक्चुअली स्टैंड्स अप, उसको अपनी जगह पे जहाँ रखना चाहिए वहां रख दे। लोग यह एक्शन नहीं ले रहे, लोग शिकायतें कर रहे। अच्छा देखिए, ऑडियंस की जो शिकायत है वो ऑडियंस खुद नहीं क्लियर कर सकती। ऑडियंस कहती है बस करो यार, हमें ये ड्रामा नहीं देखना, लेकिन दे कैन नॉट प्रोड्यूस दैट ड्रामा जो वो दे। वो वेट कर सकते हैं फॉर समथिंग दैट दे वांट टू वॉच, इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। मैं ये रिसर्च देखता हूँ, आई रीड सोशल मीडिया के क्या इम्पैक्ट किस चीज़ का आ रहा है, किस कौन सा ड्रामा क्यों हिट होता है। आजकल हमारा एक ड्रामा बहुत लोग नाम ले रहे हैं, अगर इफ आई एम अलाउड परिजात का नाम ले रहे हैं, उसमें कोई वजह है। देयर इज दिस वन कैरेक्टर दैट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस, बड़ा नेचुरल सा लग रहा है उस लड़के ने, अहमद अली ने बहुत अच्छी एक्टिंग कर दी, ही इज डार्क स्किन्ड उसमें, तो लोग रिलेट कर रहे हैं यार, मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरी भी स्किन ऐसी है, मेरे भी ये मसले हैं। स्टार्ट रिलेटिंग टू पीपल, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट हेल्पिंग एंड प्रमोटिंग एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट यू डू वांट टू सी ऑन टेलीविजन। पीपल जनरली डू, मतलब मैं अपनी ऑडियंस को जब देखता हूँ कोमल, और मैं उनकी बातें पढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये बड़ी एक्यूरेट इनकी सोच है। ऐसा नहीं है कि वो जो कंप्लेन है वो गलत है। कंप्लेन मैं किसकी बुरी मानता हूँ, जो विद इन द इंडस्ट्री बैठ के कंप्लेन कर रहे हैं, ओ यार अब ये चल रहा है, हिपोक्रेसी। आई मीन स्टैंड अप, करोड़ों रुपए के कैमरे हमारे पास, टॉप नॉच इस वक्त टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मौजूद है, वो एरी कैमराज हों, वो आपके जितने really? I didn't know that. हमारे पास टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है, बहुत महंगी होगी, बहुत महंगी है, रखी हुए स्टूडियोज में, यू नो व्हाई, बिकॉज वी डोंट हैव कॉन्सेप्ट्स। मी ऑन द अदर साइड इज ट्रेनिंग न्यू फिल्म मेकर्स टू स्टार्ट शूटिंग ऑन मिररलेस कैमराज, ऑन पॉकेट कैमराज, ठीक है, एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट के करोड़ों रुपए जब तक मेरे सेट पे नहीं लगे होंगे, मेरे एक्ट्रेस पे नहीं लगे होंगे, ये एक फेक क्लाउड हमने अपने नए फिल्म मेकर्स में से निकालना है। ये क्यों है वैसे, जब मैं म्यूजिक वीडियो बनाने जाती हूँ एंड आई अप्रोच डायरेक्टर्स, उनकी उनके आप दिमाग देखें,
भाई आपने बैरूने मुल्क जो है वो आईफोन पे म्यूजिक वीडियोस बने हुए, अच्छे अच्छे बने हुए, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बने हुए और बहुत अफोर्डेबल बने हुए, लेकिन यहाँ बात ही शुरू करते हैं वो कि इतना ग्रैंड सेट हो और इतना ये हो और वो यू डोंट क्योंकि आदत डाल दी है ना। देखो कोमल, चक्कर क्या है, मैं जब अगर इस तरह की बातें करूंगा ना इस तरह का बंदा, तो मेरे कोई दो तीन पॉइंट्स हैं। एक ये होगा कि यार मेरे पास एक एरी का कैमरा हो, 15 बंदे मेरे साथ खड़े हो, जब मेरे चाचे का बेटा आएगा ना मुझसे मिलने सेट पे, तो आई कैन शो हिम 20 लाइट्स हियर, द बिग कैमरा, व्हाट आर यू डूइंग बाय दैट कैमरा इज द मेन थिंग। डू यू नो हाउ टू यूज दैट कैमरा? ठीक है, हम पॉकेट कैमरास, आज टेक्नोलॉजी दुनिया ने क्या किया कि उन्होंने वो जो बड़ा फॉर्मेट था 4K का, 8K का, 12K का, उन्होंने इतना कॉम्पैक्ट करके आपको पैक उसमें दे दिया कि आप अपने बैकपैक में डालें, पहाड़ पे चढ़ जाएं, पानी के अंदर कूद जाएं। डू यू हैव द कंटेंट? नो, इट इज नेवर द कैमरा, इट इज नेवर द लाइट्स। मैंने अभी एक मूवी बनाई दुर्ज, मैंने और शहरी ने, उसमें हमने जो सबसे पहला जो मिसाल कायम की वो ये थी, पूरी मूवी जो सिनेमा में लगी है इट हैड नो इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स, दे वर ऑल बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स, और लोग पागल हो गए ये कैसे हो सकता है, सच गुड लाइटिंग आपने पहाड़ कैसे लिट अप कर दिया इनसे। वी वांट टू टीच पीपल, स्टॉप थिंकिंग के जी 5 करोड़, 8 करोड़, हम वो कंट्री नहीं है, वी आर नॉट हॉलीवुड, वी आर नॉट बॉलीवुड, वी आर अ रन एंड गन काइंड ऑफ, यू नो, हमारी इंडस्ट्री होनी चाहिए। उठाओ 4 बंदे, कोमल इज देयर, कोमल को भी चाहिए कि 2 करोड़ रुपए अपने चार्ज करने के बजाय अफोर्डेबल हो। आज फवाद खान, आई रिस्पेक्ट फवाद खान, आई रिस्पेक्ट अली जफर, आई रिस्पेक्ट अ लॉट ऑफ दीज पीपल दैट केम बैक फ्रॉम इंडिया, इमेंस रिस्पेक्ट। मुझे सिर्फ इनसे भाइयों से क्या शिकायत है, यू आर नॉट अवेलेबल फॉर योर कंट्री, व्हाई? बिकॉज़ यू हैव बिकम सो एक्सपेंसिव कि आपकी एज भी जा रही है, आई एम सॉरी टू से, आप एक वक्त आएगा यू वोंट बी एबल टू, अच्छा कंटेंट नहीं कर रहे अपने मुल्क, आए ना नीचे उतरे ना, आए मेरे लिए भी अवेलेबल हूँ, उसके लिए भी अवेलेबल हूँ। सलीम मेराज पाकिस्तान में क्यों ज्यादा कामयाब है इस वक्त? सलीम मेराज गोज टू एवरी शूट, कम पैसे हैं कोई नहीं दे दे यार, करता हूँ पैशन, वी हैव स्टक आवर माइंड्स इनटू, यार करोड़ रुपए वहां से आएंगे तो मैं अपनी हवा बनाने में ज्यादा लगे हुए हैं और अपना काम करने में, टेंट्रम्स कम करें प्लीज, गेट डाउन टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, हमें बहुत दिन रात काम करना पड़ेगा टू कैच अप विद द वर्ल्ड, आई एग्री, वी आर वेरी, और इसी बात पे मैं एक छोटा सा और इजाफा कर लूं कि गाइस यहाँ की जो एक मेंटालिटी है ना कि आप सेट पे आएं या आप पार्टी में जाएं और आप यूं आएं और आप कहें पानी और आप नखरे करें और आप एटीट्यूड दिखाएं, इससे आप की अहमियत बढ़ेगी, ये आप बिल्कुल उल्टा सोच रहे हैं। उल्टा सोच, जितना बड़ा इंसान होता है ना उतना झुक के मिलता है, और यही बात मैं स्टार्स के लिए भी कहूँगी कि मैंने आज तक मैंने चाय भी अगर मांगी है ना तो प्लीज़ आप मेरे लिए चाय ले आएँ और थैंक यू बोला है, और यही जो चीज़ है ना ये आपको आखिरत में भी काम आएगी। एंड हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल बी बैक विद अनदर वेरी वेरी अमेजिंग एंड चटपटा गेस्ट, डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद कोमल। लाइफस्टाइल, आपकी जो लाइफ है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस चीज़ से होती है रिलीजन के अलावा, एंड दैट इज़ मीडिया, और क्या हमारा पाकिस्तानी मीडिया वो काम कर रहा है जो उसको करना चाहिए, और स्पेशली अगर आप लड़की हैं या औरत हैं, क्या आपको वो नज़र आ रहा है हमारे डिजिटल पे, हमारी टीवी पे, हमारी न्यूज़ में, पब्लिकेशंस में, जो आप देखना चाहती हैं, जिससे आप इंस्पायर होती हैं, और इसी टॉपिक पे और बहुत सारी बातें डिस्कस करने के लिए मेरे पास बैठी हुई हैं एक एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड ऑल्सो अ वेरी प्रोफेशनल प्रोड्यूसर, शेरी। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। शेरी, आपका क्या ख्याल है, अभी तक आपने जितने challenging roles किए, what made you like you shaved your head, yeah. आपने weight put on किया, डर नहीं लगा आपको? नहीं लगा, बल्कि मैं बहुत excited थी। दर्ज में I was completely bald and मैंने weight अपना कोई 85 kg कर लिया था 55 kg से, तो I was like a whale। तो मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे projects किए, लेकिन मैं कभी भी satisfied नहीं होती थी। मतलब मैं कोई सीन अगर करके आई हूँ और सब ने उसके ऊपर कोई 3 मिनट तक क्लैप कर दी है, बट मैं
अंदर से मुझे ये होता था नहीं यार ये तो यूं होगा और ये खत्म हो जाएगा, ये वो नहीं है जो मैं करना चाह रही हूँ। अरे हम सारे आर्टिस्ट जो हैं वो हमेशा काम करके कहते हैं नो 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 आई कुड डू सो मच बेटर बिकॉज़ आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट में और बाकी फर्क तो है ना, और वांट टू बी आर्टिस्ट। या सो डू यू थिंक दैट आपकी मूवी के बाद आपको कुछ ऐसे रोल्स ऑफर हुए जिससे आप समझती है कि कुछ एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। मूवी के बाद, दुर्ज के बाद से मेरा फोन बजना बंद हो गया है। यस, मुझे 2 साल तक काम नहीं मिला। या ये तो रिवॉर्ड मिलता है यूनिक काम करने का। एग्जैक्टली, तो ये रिवॉर्ड मुझे मिला। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डिटेल्स ऑफ दर्ज, लेकिन आपका रोल चाहे जो भी उसके सर्कमस्टेंसेस हो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग, लिव एंड लेट लिव, ठीक है, बट I mean, your performance was outstanding, and that's all that matters to somebody hiring you. Right? Yeah, but तो क्यों बंद हो गई? आपका क्या? I don't know. Maybe लोग अभी तक acting के ऊपर ज़्यादा focus नहीं कर पाए हैं। लोग शायद उसी glamour की दुनिया को ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा real की तरफ नहीं आते। तो और जो हम लोगों का काम है वो बहुत original होता है। हमने अभी तक जितना भी काम किया है वो reality से बहुत करीब है, तभी लोग उससे relate कर जाते हैं। नहीं, हमारे जो ये जो फॉर्मूला वाले ड्रामा हैं, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सास तशद्दुद नहीं करती बहू पे, और भाभी जो है वो स्कीमिंग प्लान्स नहीं बनाती है, और मियाँ जो है वो चीट नहीं करता है और जुल्म नहीं करता है। ये सब होता है, लेकिन क्या सिर्फ यही होता है? एग्जैक्टली, अब तो हो के खत्म भी हो चुका होगा, तो आगे चले उससे। आई थिंक काफी एस्टैब्लिश हो गया है कि ये होता है, लेकिन फिर ये क्यों हिट होते हैं ड्रामा? देखिए, हिट करवाए जाते हैं और करवाए जाते हैं। शमून, आपका आप क्या कहते हैं इस बात पे? हिट करवाना और हिट होना बहुत डिफरेंस है। ये बहुत अच्छी बात की है ना। देखें, ये वही सोर्स वाली बात है कि ये जो टीआरपी के सोर्स है ये क्या है। रोजाना ये लिख देना कि एक्सक्लूसिवली ऑन नंबर 1 ब्लास्टिंग मेगा सीरियल, हू इज राइटिंग दैट? इट्स ऑल पेड कंटेंट। इट्स पेड कंटेंट। आज के इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, यानी ह्यूज जैकमैन की एक तरफ तस्वीर होती है, द रॉक की तस्वीर होती है, और नीचे हमारे यहाँ के 2 साल पुराने लड़के की ज्यादा व्यूज होते हैं, ज्यादा लाइक्स होती हैं, एंड यू जस्ट फॉल डाउन। आप गिर जाते हैं। बंदा कहता है यार ह्यूज जैकमैन, ड्वेन से, ड्वेन द रॉक जॉनसन से ज्यादा हमारे कल के लड़के ने, कल के लड़के ने। तो वो जो पेड है वो आप एक मार्केट ओपन है, आप खरीद लें। मतलब मैं तो अभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनको भी कहूंगा कि जी वो मार्केट में मिल रहे हैं व्यूज, अब तो आपके पास एड्स आते हैं। और मैं ये कह रही हूँ कि वो मतलब एक इंसान के अंदर एक सेल्फ जिसे कहते हैं अवेयरनेस होनी चाहिए, और एक अपनी डिग्निटी होती है। तो आप जब इतने व्यूज और इतना सब कुछ खरीद के करते हैं, तो आप रात को सोते कैसे होंगे? ओरिजिनल है ये थम्स, ये हार्ट्स, ये सारे तो मेरे अपने हैं, तो मुझे देखता कौन है? तो मेरे ख्याल में ये कॉम्प्लेक्स और सास बहू से जरा सा हटे, दुनिया में आपको एक पूरी यूनिवर्स नजर आएगी जहाँ औरत डोमिनेट कर सकती है। वो इमोशनली कहाँ कहाँ है मौजूद, वो पायलट है, वो स्पोर्ट्समैन है, वो सिंगर है, वो राइट, पता नहीं वो क्या क्या है। हाँ, मैं एक्चुअली ये एक छोटा सा कहना चाहूंगी कि देखें, जस्ट बिकॉज आप एक पायलट पे कहानी, विमेन्स पायलट पर बन चुकी है वैसे, बाय द वे आई थिंक सनम प्लेड अ पायलट और समथिंग, इट डजंट मीन कि आप इतना एक्सट्रीम पे चले जाएं। जी, एक कैरेक्टर जो है इट्स अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, इट्स अ ह्यूमन बीइंग। तो हाँ, अगर वो एम्बिशियस है या वो करियर ओरिएंटेड है, चलो नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, फाइटर है अपने अंदर ही अंदर, लेकिन साथ में रोमांस भी है, लेकिन साथ में बच्चा भी है, माँ भी है, एक कंप्लीट पैकेज है, औरत है, यू नो व्हाई? कि आप लोग सोचते हैं कि आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पर आप नॉर्मल औरतों के हकूक के बारे में भी बात करें ना, तो आप फेमिनिस्ट बन जाते हैं। अच्छा, लड़की को ड्राइव करना चाहिए, अच्छा आप फेमिनिस्ट हैं? मैंने कहा नहीं यार, लड़की को ड्राइव करना चाहिए, सबको ड्राइव करना चाहिए, फेमिनिस्ट लड़की को ड्राइव करना चाहिए। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट अगर हम स्टोरी को डिविएट कर रहे हैं, और मेन लाइन जैसे दंगल थी, इट वॉज अबाउट वुमेन रेसलर्स, लेकिन उसमें बाप का रोल भी था, उसमें बहन का रोल,
उसमें जीत हार, इसमें हिम्मत, उसमें द विल पावर, द स्पिरिट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ये सब चीजें भी एड्रेस हुई. इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट लड़की कर रही है, इट वॉज अ वेरी वेरी बैलेंस्ड मूवी विद अ बैलेंस्ड मैसेज. एंड आई थिंक हमारा जो कॉन्टेंट है, डू यू, आई डोंट थिंक इट्स इवॉल्व्ड एंड मैच्योर इनफ, और इज इट? नहीं, अब देखिए, जैसे मोटरसाइकिल गर्ल बनी, ठीक है, वो दुर्फिशा लड़की है, दुर्फिशा तारिक, उसके ऊपर फिल्म बनी, और एक अच्छा सब्जेक्ट था कि एक लड़की है जो मोटरसाइकिल चलाना चाहती है, उसको कितनी मुश्किलात हो रही है. नसीम हमीद पे बनी फिल्म, ठीक है ना, जो उसने 100 मीटर ओलंपिक्स में जीती, उसके ऊपर बनी. मुझे सिर्फ थोड़ा सा बस ये होता है कि जो बनाने वाले लोग हैं वो इन इमोशंस को, जो भी आपने सारा काउंट किया ना, कि बच्चा भी तो है ना, घर भी तो है, कपड़े भी तो धोने हैं, उसको वो बहुत बड़ी चैंपियन हो सकती है, बट वो सुबह कैसे उठ रही है, वो हम ना मिस कर जाते हैं. हम ना मेन मेन इवेंट्स पे जाते हैं, ऐसे मुलाकात हुई, फिर ये हुआ, फिर देन शी बिकेम अ चैंपियन. नाउ द मोमेंट यू स्टार्ट वाचिंग इट, यू नो व्हाट इज द एंड, और आप रिलेट नहीं कर पाते ना, बिकॉज़ आप खुद एक औरत होते तो आप कहते नहीं यार, ये नहीं, ये इमोशन ना. टर्मिनेटर भी हिट इसलिए हुई कि इमोशंस थे, ये बात भूल जाते हैं हम लोग, बच्चे के साथ लोग समझते नहीं कि टर्मिनेटर उस बंदे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की गोलियां, नो, रैम्बो में भी इमोशन है. बड़े से बड़े आप जहाजों के फिल्म में देख लें जिनमें जहाज क्रैश होते हैं, कुछ होता है, इमोशन पे तो खेल रहे. वी ओनली वांट टू इंट्रोड्यूस द घर में जो फड्डे चल रहे हैं. अच्छा, उससे हो क्या रहा है कोमल? सॉरी, मैं शहरी के इंटरव्यू ठीक है, हो क्या रहा है, हम वी आर इन्फेक्टिंग दीज लिटिल गर्ल्स before time, we are giving them this manual. इतनी अच्छी बात की है आपने कि भाई अगर आपको करियर में करना है तो आप भूल जाएं कि आपके शादी, बच्चे, माँ बाप, ऐसा नहीं है भाई. ये हम मैनुअल बना के दे रहे हैं कि बेटा ये होगा, तुम्हारी सास ऐसे ही होगी, तुम्हारी डोंट डू दिस प्लीज, दिस इज अ क्राइम, दिस इज अ सोशल क्राइम. मैं हमेशा कहता हूँ ये 18, 19 साल की बच्चियां आती हैं, सच प्रीटी गर्ल्स वी हैव इन पाकिस्तान ऑन द स्क्रीन, ब्यूटीफुल गर्ल्स, सिर्फ रो रही हैं. Why can't I see them jumping in happiness and joyness and, you know, going out in the greenery and doing something great? वो TRPs नहीं मिलेंगे. वो बच्चियों से वैसे मिले आप ऑफ कैमरा, आपको मजा आता है, हंस रही होती हैं, बोल रही होती हैं, they look like flowers. But on the screen, God's sake, where is life? इस एज के बच्चों की लाइफ आप जरा और जगहों पे जाके देखें, वो सर्वाइवल भी हैं, वो सर्वाइव भी करना जानते हैं, they know how to make you happy, वो हंसाएंगे आपको, क्यूट लगते हैं इस तरह के बच्चे, वो क्यूटनेस मार दी आप. तो ये मैनुअल हम दे रहे हैं अपने बच्चों को. कभी हम ये भी सिखाएं अपनी ऑडियंस को या मैसेज दें कि हाउ टू अप्रिशिएट लाइफ, हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू एंजॉय लाइफ, इवन फ्रॉम अ मिडिल क्लास, लोअर क्लास बैकग्राउंड, हाउ कैन वी make life beautiful. Yes. You know? The beauty of life is missing on screen. बस I agree. I agree. Actually, हम लोगों ने हमारा जो news है, वो भी तो होता है कि ओ ये मर गया, ओ इस हो गया, and ये murder हो गए, और earthquake आ गया, सब सनसनी खेज. मैं तो अब news देखना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं सिर्फ हिलती रहती हूँ news देखने. Okay, so what are your future products? Are you now going to be making me feel like life is beautiful in your future products? Yeah. I will. Can you talk about what you're doing? Abhi nahi. Oh no. बस ये मैं बता दूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है. And I'm sure जिस वक्त वो आएगी तो पूरा पाकिस्तान ही surprise हो जाएगा उसको देख के. I think पाकिस्तान से भी आगे. पाकिस्तान से भी आगे. Really? Inshallah. Inshallah. लेकिन आप हमें बता नहीं सकती. इसलिए अब next question ये इस question में शमून से पूछूँगी. लेकिन it's time for a very short break. Don't go away. Hello, hello, and welcome back to Lifestyle with Komal. हम लोग फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री एंड डिजिटल शो बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं. मैं आजकल वापस ड्रामा सीरियल्स में आ गई हूँ और 12 घंटे की शिफ्ट करती हूँ, और जिसको आप लोग समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस है टीवी पे, उसके पीछे क्या हो रहा है, वो वर्क एथिक्स, वो प्रोफेशनलिज्म और वो हार्ड वर्क और वो प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन आज आपको पता चलेंगे. लेकिन बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, आई एम डाइंग टू नो व्हाट शमून इज अप टू नाउडेज. रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड दिस वेब सीरीज कॉल्ड कराची डिवीजन, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि हमने एक मैंने और शेरी ने बैठ के कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था,
और वही वाली बात कि वो सास बहू वाले मैटर से ज़रा सा निकलना था, तो हमने थोड़ा सा ज़रा जो ग्रिटी साइड ऑफ द सिटी है कराची डिवीज़न और उसमें क्या मसाइल हैं पॉलिटिकल, क्या किस तरह सिचुएशंस होती हैं और किस तरह डिस्टेबलाइजेशन की तरफ मामलात हैं एक्सटर्नल आते हैं और किस तरह होता है, वी स्पोक अबाउट दैट, वी जस्ट यू नो सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर्ड दैट सब्जेक्ट। और वो क्या हुआ कि वो हमें हमारे उम्मीदों से ज़्यादा लोगों को इतना पसंद आया कि जो प्लेटफॉर्म था हमारा, उस प्लेटफॉर्म ने हमें ऑफर की कि जी अगर हम इसको अरबिक में डबिंग करके इसको गल्फ में 21 रीजन्स में रिलीज करें विद इंग्लिश सबटाइटल्स एंड ऑल दैट, एंड आई वाज लाइक वाओ आर वी डूइंग ग्लोबल नाइस। तो फिर वो जब सीजन वन लोगों ने देख लिया, अब वो जो रिस्पॉन्स है वो इतना खूबसूरत है बिकॉज द मोमेंट वी सी रिटन सीजन टू कब आ रहा है बॉस, you know it gives you this motivation ki acha yaar the content actually you know hit somewhere and it made sense. aapka kya khayal hai ki hamara jo work ethic hai jo industry politics jise kehte hain aur jo professionalism hai wo aapko film industry mein tv industry mein kaisa lagta hai? main honestly bataun ki 50-50 hai, professionalism khatam bhi hota ja raha hai, log dominate karna shuru ho gaye hain हर चीज़ पे, वो चाहते हैं कि उनका उनकी पावर शो हो, लाइक अगर वो कोई एक्ट्रेस है या एक्टर है या वो डायरेक्टर है या वो राइटर है तो वो ऐसा लगता है कि उसको चाहिए कि वो होल एंड सोल वो सबको होल्ड करे, उसकी मर्ज़ी होती है, वो अपनी मर्ज़ी से टाइम देता है। जाहिर सी बात है आपको असिस्टेंट्स जब कॉल टाइम देते हैं तो वो ऊपर से डायरेक्ट की हुई होती है, तो ये होता है कि जब आप पे कर रहे होते हो किसी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आजकल ऐसा हो रहा है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने ख़रीद दिया है, आप उन्हीं के टाइम पर आएँगे उन्हीं के टाइम पे जाएंगे, भले आपका काम तीन घंटे का हो, भले आपका काम 12 बजे स्टार्ट हो लेकिन कॉल टाइम आपका 10 बजे का होगा। ये ऑनेस्टली मैं बताऊँ, हमारी शूट पे हमारी प्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आर्टिस्ट को बहुत पैम्पर्ड करके रखते हैं क्योंकि अगर वो फ्रेश नहीं होगा, हम उनको कास्ट ही नहीं करते बिकॉज़ वी हैव ऑल दैट शीट, वो हमारे पास है इंफॉर्मेशन पहले से मिली हुई है। कराची डिवीजन में दे वर लाइक 12 मेन कास्ट, 12 मेल और मेल थे ये लोग ज्यादातर, बिग कास्ट। हां बिग कास्ट, मेल क्यों थे सारे? इसलिए थे कि वो गैंग सारे बोलते हैं ना, लेकिन हमने एक जो फीमेल मैंने क्रैब मंगा किया हुआ है वो जो एक फीमेल थी माहीन, वो हमने अमेरिका से बुलाई, क्योंकि माहीन ने छोड़ दिया था काम बहुत अरसे के बाद, हमने उसे बुलाया और उससे हमने कहा कि 7 दिन में हम आपको फ्री करेंगे। शी वॉज सो अमेज्ड, उसने अपने इंटरव्यू में बोला, कहती है मैंने इतना ऑर्गेनाइज किसी चैनल को नहीं देखा कि ये लोगों ने जिस टाइम पे मुझे बुलाया उस टाइम पे मेरा सीन हुआ है, और ना मैं इरिटेट हुई ना कुछ। उसका इंटरव्यू ऑनलाइन है सर, मैं आपसे 20 लाख रुपए का वादा कर लूं और मैं आपको वक्त पे ना दूं, मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे तो मैं ही कहता हूं भाई 20 रुपए दे रहे हो ना, इस वक्त काम है उसको, इस वक्त ये 20 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू, दे दो टाइम ये प्लीज। मैं अपने प्रोडक्शन हाउसेस के हाथ जोड़ूंगा कि जो करोड़ों रुपए के आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी जायदादें बना ली हैं, सब कुछ कर लिए, ये इन मेहनती लोगों का पैसा है। बट डोंट यू थिंक दैट प्रोडक्शन, आई एम जस्ट, मैं आज सिर्फ डेविल्स एडवोकेट बन रही हूँ फॉर 1 मिनट, आई एग्री विद यू, बट उन लोगों का कहना ये है कि इट्स अ सर्कल राइट, एडवर्टाइजर्स आपको 90 डेज बाद पेमेंट करते हैं, चैनल्स आपको XYZ डेज बाद पेमेंट करते हैं, प्रोड्यूसर्स बेचारे अपने पर्सनल पैसा जेब पे लगाए के रखे, बिल्कुल, तो ये पूरा एक साइकिल ठीक होना है। जब 90 डेज आपके एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है तो एक्टर तो चुप बैठा होता है 90 डेज तक, वो कुछ कहता भी नहीं है, उसके बाद जब वो 900 डेज हो जाते हैं तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो सवाल नहीं समझ आता उसका क्या करें, फिर बदमाशी बदतमीजी, फिर ये नेपोटिज्म भी बीच में आता है। So let's talk about nepotism. Yes. Like it, हमारे कैंप्स बने हुए बकायदा, और मुझे बहुत लोग चाहते हैं कि मैं उनके कैंप्स में शामिल हूँ, बट आई एम अ वेरी न्यूट्रल काइंड ऑफ, आई लव एवरीवन, एवरीबॉडी लव्स मी, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, और ये बात यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाती। क्यों? सोलो फ्लाइट आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्यों? बिकॉज दे थिंक दैट यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग बीइंग अलोन, and you need support system to be, you know, become our part. It's like politics में एक politician को उठा के दूसरे जगह पे क्यों बुलाया जाता है? उसे बुलाया जाता है कि इसकी जो अपनी influence है, इसकी जो अपनी power है, Komal Rizvi is a big name, right? आपने क्या कुछ नहीं किया हुआ, माशाल्लाह, आज से थोड़ी, I know you since like 20 साल, और no, let's not take numbers. I'm only 16. 3 years. I'm only 16 years old. But you were so young when you started, माशाल्लाह कोमल. तो you know आपका जो जो presence होगी, वो किसी ना किसी lobby में, एक तो मुझे lobby word बहुत बुरा लगता है. I think we should call them families. Families. Yes. Families.
मतलब मुझे जब तक इन लोगों ने ऑफर्स की के उल्टे सीधे चीजें, मैंने बोला आपने यू डिडंट प्ले द गेम, यू डिडंट प्ले द गेम. मैं एक फेलियर हूं बेसिकली. आई एम अ फेलियर इन दिस इंडस्ट्री. व्हाई? बिकॉज़ आई डोंट बिलोंग टू एनी लॉबी. तो मैं उतना शायद नहीं कर सका, मैं उतना नाम भी नहीं बना सका. किसने रिजेक्ट किया आप? द सिस्टम. 5 साल हो गए मुझे कोई सीरियल नहीं देता मुझे. नोबडी कास्ट मी, नो चैनल आस्क मी टू कम एंड यू नो. किसी से हुई है जिगजिग आपकी? होती है. झूठ मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा. मैं किसी गरीब के पैसे मेरे सामने आप लूट रहे होंगे, मैं बोलूंगा. I don't give a damn about it. मेरा रिस्क ऊपर से आ रहा है कमल और कोमल. मेरा रिस्क ऊपर से आ रहा है, मैं उससे ऊपर तुम्हें बिठा ही नहीं सकता. ये मेरा सिस्टम है, मेरा फोन नहीं मानता. बॉस बॉस, बाप बाप नहीं कर सकता. यू नो व्हाई? एक लिमिट आएगी तुम्हारा, वो सारा जो जो ग्रैंडनेस है वो एक दिन अल्लाह मियां यूं करके निकाल देगा. उस वक्त फिर मैं किसको बुत बनाऊं? फिर मैं इधर मुड़ जाऊंगा, फिर तुम मेरे बाप बन जाओगे. तो फिर मेरा क्या किरदार है? बिल्कुल. फिर मैंने क्या कमाया जिंदगी में, मैंने क्या सीखा? ये मेरा प्रॉब्लम है. एक बिलीव है कि भाई ठीक है, ये बिलीव है. माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग अभी भी प्रोडक्शंस कर रहे हैं. लोग हमें कास्ट नहीं कर रहे हैं, ना इन्हें ना मुझे. तो हम दोनों अपनी प्रोडक्शंस कर रहे हैं. हम लोगों का हिसाब किताब ऊपर वाले ने. मेरा नाम काटा जाता है, मेरा नाम काटा जाता है, शमून को नहीं. So you don't want to take names ke kaun karta hai aapke naam. Main kyun lo naam? Sabhi unko pata hai mere khayal mein unko ekdam shayad hood aa jayega. Oh my god, he's talking about me. Because inhone financially break karna tha. Aap kis tarah todte ho kisi actor ko, kisi artist ko, usko paisa dena band kar do. Wo bechara ya to ke ek din baap ka role karne lag jayega, ya wo junior actors ke sath khada ho jayega, ya aakhir mein wo bechara ja ke general store khol lega. Jab mere sath ye hua, mujhe 2 saal lage to understand ke acha meri jo honesty hai, sincerity hai, that is the enemy of these thieves. I'm sorry, मैं इनको चोर कहता हूँ ज्यादातर को. ये चोर हैं. ये पैसा लोग गरीब. मेरा स्पॉट बॉय मुझे कह रहा है, बॉस 6 महीने हो गए 8,000 रुपए फलाने प्रोडक्शन हाउस से. मैं क्या 8,000 रुपए के लिए तो रो रहा है? You get my point? शर्म आनी चाहिए आपको. अब ये बहुत sad एक side हो जाएगी. I don't want to go there, but you know, मैं बोलता हूँ. But this is reality. It's reality. और यही हम लोगों का purpose था कि इस वक्त बैठ के हम आप लोगों को ये दिखाएं कि आर्टिस्ट जो है वो लगता कितना ग्लैमरस है, लेकिन उसको कितना तशद्दुद और कितना हार्ड वर्क और कितनी मेहनत और कितनी प्रॉब्लम्स और पॉलिटिक्स और लॉबी से गुजरना पड़ता है. जाने से पहले एक दफ़ा और याद दिलाऊंगी कि प्लीज़ 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 हमारे यहाँ लड़कियाँ ऊपर आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, कॉन्टेंट अच्छा बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है, डिज़र्विंग टैलेंट को वाकई वो खिराज अकीदत मिल रही है जो उसको मिलनी चाहिए. इन सब चीज़ों की जो ताकत है वो आपके हाथ में है. तो प्लीज़ कंप्लेंट थोड़ा कम और एक्शन थोड़ा ज्यादा. एंड ऑन दैट नोट अगेन थैंक यू सो मच बोथ ऑफ कॉलिंग अस. यू वेलकम. ओके गाइस, आई एम गोइंग टू मीट यू वंस अगेन नेक्स्ट वीक ऑन सैटरडे एज यूजुअल एट 7 PM. वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पैशनेट टॉपिक्स. डू ट्यून इन आज एंटरटेनमेंट. आई लव यू गाइस.